नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं शब्दों के बारे में। जो हम लोग आए दिन बातचीत करते हैं शब्दों का उच्चारण से, शब्दों का इम्पैक्ट क्या पड़ता है लोगों पे, और शब्द क्या है, शब्द की परिभाषा क्या है, उसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हम लोग ध्यान नहीं देते हैं आए दिन जो बातचीत करते हैं, लेकिन जो शब्द के बारे में, शब्द रचे जाते हैं, शब्द गढ़े जाते हैं, शब्द मढ़े जाते हैं, शब्द लिखे जाते हैं, शब्द पढ़े जाते हैं, शब्द बोले जाते हैं, शब्द तोले जाते हैं, तोल तोल के बोलना, शब्द टटोले जाते हैं, शब्द खंगाले जाते हैं, इसी प्रकार शब्द बनते हैं, शब्द संवरते हैं, शब्द सुधरते हैं, शब्द निखरते हैं, शब्द हंसाते हैं, शब्द मनाते हैं, शब्द रुलाते हैं, शब्द की खासियत है कि शब्द मुस्कुराते हैं, शब्द आपने ऐसे बोल दिए जो हंसी आ जाती है, शब्द खिलखिलाते हैं, शब्द ऐसे होते हैं जो गुनगुनाते हैं आपके दिल के अंदर, जिसको हम बोल रहे हैं उनके महसूस होता है कि गुनगुनी सी उनको महसूस होती है, शब्द मुखर हो जाते हैं, शब्द प्रखर हो जाते हैं, और शब्द ये हैं जो मधुर हो जाते हैं कि भाई फलाने को देखो कितनी अच्छी बात करनी आती है। ये हैं शब्द के बारे में। और शब्द चुभते हैं, जब हम कुछ कड़वा बोलते हैं इतना होने के बाद भी कुछ ऐसी बात बोलते हैं जो शब्द चुभते हैं, शब्द बिकते हैं, शब्द रूठते हैं, शब्द घाव देते हैं। एक शब्द ऐसा होता है जो रिश्ते को बिल्कुल अलग कर देता है, और एक ऐसा शब्द होता है जो प्रेम, जिस जहाँ प्रेम की भाषा है वहाँ पर शब्द सारी ज़िंदगी का रिलेशन बन जाता है, और एक शब्द ऐसा है जो रिलेशन को ख़त्म कर देता है। तो शब्द चुभते हैं, शब्द बिकते हैं, शब्द रूठते हैं, शब्द घाव देते हैं, शब्द ताव देते हैं, शब्द लड़ते हैं, शब्द झगड़ते हैं, शब्द बिगड़ते हैं, और शब्द बिखरते हैं। शब्द हैं जो सिहरते हैं, लेकिन परंतु शब्द कभी मरते नहीं। जो बोला हुआ शब्द है या जो लिखा हुआ शब्द है कभी मरते नहीं है, शब्द कभी थकते नहीं है, शब्द को आप कितना लिखिए कभी थकता नहीं है, शब्द कभी रुकते नहीं है, शब्द चलते चला चलने का नाम है, शब्द कभी चुकते नहीं है। अतएव इसलिए शब्दों से कभी खेले नहीं, बिना सोचे बोले नहीं, एक एक शब्द आप बोल सोच समझ के बोलिए, शब्दों को मान दें, शब्दों को सम्मान दें, शब्दों पर ध्यान दें, शब्दों को पहचान दें, ऊंची लंबी उड़ान दें, शब्दों को आत्मसात करें, उनसे उनकी बात करें, शब्दों को आविष्कार करें, गहन सार्थक विचार करें, क्योंकि शब्द ही अनमोल है, द इमोर्टल वैल्यू ऑफ द वर्ड। जुबान से निकले बोल शब्दों से धार होते हैं। हमने किसी को गाली दे दी या किसी को कुछ अपशब्द बोल दिया, उससे ज़्यादा घातक, उससे ज़्यादा अगर हमने किसी को मार दिया चाकू से और उससे घाव हो गए, तो वो घाव तो भर जाते हैं लेकिन शब्द सारी ज़िंदगी का उसके दिल पर लग जाता है। इसलिए बड़े शब्द नाप तोड़ के बोला जाता है। शब्दों में धार होती है, शब्दों की महिमा अपार होती है, शब्दों का विशाल भंडार होता है, और सच तो यह है कि शब्दों का ही अपना एक संसार होता है। शब्दों का सम्मान दें। थैंक यू एवरीबडी।